हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ, इंट्राडे टिप्स एंड रिकमेंडेशन के साथ दोस्तों आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के दिन लेकर आया हूं दोस्तों मंडे के लिए बेस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग टिप्स, जो कि आप लोगों को एक अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। और हमारे जो भी ट्रेडर्स हैं जिनको भी हमारे अकॉर्डिंग डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है दोस्तों, तो आप जाके वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं ऐप स्टॉक में। देन हमारे प्रीमियम टेलीग्राम में ऐड होने के लिए दोस्तों आप नीचे हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो पेड लेवल टेलीग्राम में। देन नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप ऐड भी हो सकते हो। तो आइए दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहले मैं मार्केट अपडेट दे देता हूँ। लास्ट फ्राइडे को आप देख सकते हो दोस्तों मार्केट में काफ़ी अच्छा खासा बाउंस बैक आ चुका है दोस्तों। तो आप मार्केट यहाँ से अपन सोच सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं, एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ से 12,000 के तरफ मार्केट चल रहा है दोस्तों। अभी 12,000 काफ़ी दूर है, लेकिन मैं 12,000 बता रहा हूँ, ठीक है। वहीं से आप देख सकते हो 10 स्टॉक ऐसे थे जिन्होंने मार्केट को सपोर्ट नहीं किया, करीबन 40 स्टॉक ऐसे थे जिनमें काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। बाकी आप देख सकते हो दोस्तों टाटा मोटर्स, SBI काफ़ी अच्छा खासा मोमेंट यहाँ पर देखने को मिला। SBI को आप मंडे को आपकी वॉच लिस्ट में रख सकते हो, क्योंकि रिजल्ट काफ़ी तगड़ा आया दोस्तों, काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम आपको मिल सकता है, ठीक है। और टाटा मोटर्स, ये दो कंपनियां तो है, बाकी जो दो कंपनियां हैं मैं आप लोगों को अपडेट कर रहा हूँ इंट्राडे के लिए प्रॉपर टारगेट प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, तो आप उनको भी नज़र में रख के चलना दोस्तों। तो आइए फर्स्ट स्टॉक जो है उसके ऊपर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो जो आप लोगों के लिए पहला स्टॉक है IT सेक्टर से रिलेटेड, जिसका नाम है यहाँ पर इन्फोसिस। इन्फोसिस में थोड़ा सा गिरावट के साथ स्टॉक बंद हुआ है 3 पॉइंट के साथ। यहाँ पर प्रीवियस क्लोज गैप ऑफ ओपनिंग सेम था दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो। देन हाई ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाया और लो चेक कर सकते हो। मार्केट में लगभग 10 से 11 पॉइंट का ही मूवमेंट हो पाया था इस स्टॉक में, ठीक है। वहीं पर आप देख सकते हो ट्रेड वॉल्यूम नंबर ऑफ शेयर में जो एग्जीक्यूटर हैं लगभग 77 लाख के समथिंग का, ट्रेड वॉल्यूम नंबर आप लेक में चेक कर सकते हो यहाँ पर 54 लाख के समथिंग का दोस्तों, ठीक है। वहीं पर आप लोगों को मैं इसकी डिलीवरी पैटर्न चेक करा देता हूँ। IT कंपनी की बेस्ट कंपनी है, तो काफ़ी अच्छी खासी डिलीवरी पैटर्न अपने को डेली बेसिस पे देखने को मिलती है, लगभग 32 लाख से ऊपर की डिलीवरी पैटर्न है दोस्तों, ठीक है। अब आइए इसके चार्ट पैटर्न पर हम अपन मोमेंटम समझते हैं क्या मिल सकता है अपने को मंडे के लिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों काफ़ी चार्ट में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको चार्ट अभी नॉर्मल वाला दिख रहा है, ये जो नॉर्मल चार्ट है। बाकी अगर आप कैंडल चार्ट देखोगे तो आपको प्रॉपर एक एक कैंडल में समझ में आएगा कि मोमेंटम क्या बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर अच्छी खासी सेलिंग हुई, फिर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग के साथ बाइंग हुई, फिर स्टॉक फ्री हो चुका था, फिर यहाँ पर अच्छा खासा बाउंस बैक आने के बाद फिर प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर स्टॉक सडनली नीचे आया, फिर यहाँ से डिलीवरी पैटर्न के साथ अगर मैं बात करूँ BTST लेवल के साथ काफ़ी अच्छा खासा बाउंस बैक आया, लेकिन यहाँ पर जो इंट्राडे के लेवल थे, जो इंट्राडे की पोजीशन थी वो कट गई दोस्तों। बाकी जो BTST लेवल था उन्होंने यहाँ पर स्टॉक में मोमेंटम छोड़ गए कि यहाँ पर मंडे को काफ़ी अच्छा खासा मोमेंट मिल सकता है। तो इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे अगर आप देखोगे जो सपोर्ट जोन के अकॉर्डिंग, तो काफ़ी अच्छा खासा मोमेंट अपने को देखने को मिला। वहीं पर आप लोगों को 5 दिन का चार्ट दिखाता हूँ, तो 5 दिन का चार्ट आप देख सकते हो ग्रीन ही है दोस्तों। लगभग आपको अगर तेज़ी बताता हूँ तो 1.5% की तेज़ी जो आप देख सकते हो लगभग 10 पॉइंट से ज़्यादा की है, ठीक है। तो अपने को जो यहाँ पर देखा गया है कि जो डिलीवरी पैटर्न काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल रही है, BTST लेवल भी काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिला। अगर ये स्टॉक दोस्तों आप लोगों को मैं बता देता हूँ 708 पे मिलता है मंडे के दिन, अगर गैप अप ओपनिंग भी देता है या गैप डाउन भी देता है या उसके बाद 708 भी आता है, तो आप इजीली इसको बाय करिए, लगभग 715 का टारगेट लेके चल सकते हो। अगर मैं टारगेट की बात करूँ तो 7 रुपये का इजीली आप टारगेट लेके चल सकते हो। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूँ तो मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आप लगभग 4 रुपये का अपना स्टॉप लॉस भी लेके चल सकते हो। जो लेवल से बाइंग लेवल दे रहा हूँ वही लेवल से आपको बाय करना है स्टॉक में। बाकी जो भी टारगेट एंड स्टॉप लॉस है दोस्तों आप आपके हिसाब से भी मेंटेन करके चल सकते हो। बाकी जो भी रिसर्च है वो जो भी चीज़ें हैं आप लोग आपके हिसाब से या आपके जो भी फाइनेंशियल ब्रोकर या एडवाइज़र है उनसे कंसल्ट करने के बाद इसमें पोजीशन बना सकते हैं। बाकी जो भी चीज़ें रहती है हम हमारे पेड टेलीग्राम जो ग्रुप है दोस्तों उसमें आप लोगों को अपडेट कर ही देते हैं। अब आइए सेकेंड स्टॉक के ऊपर लेके चलता हूँ।
अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो आप लोगों के लिए जो सेकेंड स्टॉक है जिसका नाम है LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, यहाँ पर आप देख सकते हो मोमेंटम लगभग 8% की तेजी थी स्टॉक में, प्रीवियस क्लोज चेक के रही है इसका, आप ओपन चेक कर सकते हो, देन इसका लो चेक कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर मोमेंटम चेक कर सकते हो। मोमेंटम के साथ अगर मैं बात करूँ तो ट्रेड जो वॉल्यूम रहा था अपना ट्रेड वॉल्यूम नंबर ऑफ शेयर में जो कि 1 करोड़ से काफ़ी ऊपर था दोस्तों, वहीं पर ट्रेड वॉल्यूम नंबर ऑफ लेग में आपको देखने को मिलेगा 25 लाख से ऊपर दोस्तों, काफ़ी अच्छा खासा है। वहीं पर आपको डिलीवरी पैटर्न यहाँ पर देखने को मिलेगी इस शेयर में, फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक तो काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर अभी चल ही रहा है, तो लगभग 22 लाख के समथिंग का यहाँ पर डिलीवरी पैटर्न देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब इसके भी चार्ट पैटर्न पे हम समझते हैं क्या मोमेंटम अपने को मंडे के लिए मिल सकता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों चार्ट में आपको काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी दिखेगी और वन साइडेड तेज़ी दिखेगी, ठीक है, कहीं कहीं ब्रेकआउट देखने को मिलेगा दोस्तों। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, इस पोजीशन पे प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, अब इस पोजीशन पे अच्छी खासी बाइंग हुई थी, तो काफ़ी वॉल्यूम के साथ यहाँ पर स्टॉक में मोमेंटम हो रहा था दोस्तों, ठीक है। तो 5 दिन का अगर आपको चार्ट दिखाऊंगा तो 5 दिन के आपको चार्ट में दिखेगा साफ, यहाँ पर आप देख सकते हो इस पोजीशन पर काफ़ी तगड़ा मोमेंटम आया क्योंकि यहाँ पर काफ़ी हाई वॉल्यूम था दोस्तों और हाई वॉल्यूम के साथ स्टॉक का मोमेंट चेक कर सकते हो, तो वो वॉल्यूम का असर अभी अपने को दिख सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग 6% की तेजी आप देख सकते हो, पॉइंट ऑफ व्यू में अगर आप चेक करोगे दोस्तों तो लगभग 15 पॉइंट की तेजी है, ठीक है। इसी बीच अपन टारगेट एंड स्टॉप लॉस आपको अपडेट कर देता हूँ मैं फटाफट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको जो टारगेट एंड स्टॉप लॉस बता रहा हूँ गैप अप ओपनिंग के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, अगर यहाँ से 2 से 4 रुपये का भी गैप अप ओपनिंग देता है या स्टॉक थोड़ा सा करेक्शन होकर अपने पोजिशन पर आ जाता है लगभग अगर मैं बात करूँ 265 रुपये पर, तो आप ईजिली अच्छी खासी क्वांटिटी मेंटेन कर सकते हो। अगर टारगेट की मैं बात करता हूँ तो यहाँ लगभग आप 270 का टारगेट लेके चल सकते हो, छोटा सा टारगेट है 5 रुपये का, आप आराम से आपको 1% का टारगेट ईजिली मिल जाएगा इस स्टॉक में 1 से 1.5% का। अगर स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करता हूँ तो आप लगभग इसमें 63.2 रुपये का स्टॉप लॉस भी लेके चल सकते हो। ये छोटा स्टॉक है, छोटा स्टॉप लॉस और टारगेट दिया है, बाकी जो भी आप लोगों को लगता है वो आपके हिसाब से मेंटेन कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो आइए दोस्तों आप लोगों को मैंने जिस प्रकार से बताया है जो भी समझ में लगता है आप लोगों को उस प्रकार से आप ट्रेड करिए और अच्छा खासा प्रॉफिट निकालिए दोस्तों। मैं आशा यही करता हूँ कि आपका पोर्टफोलियो अच्छा खासा मैनेज रहे और अच्छा खासा प्रॉफिट आप लोगों को निकलते रहे, ठीक है। तो मैं वीडियो क्लोज करते समय यही बोलूँगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करना, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि डेली बेसिस पर इंट्राडे के टिप्स एंड मार्केट अपडेट आप लोगों तक लाता रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों।